सरकार का एक स्लोगन है बेटी बचाओ को लेकर, कितना सच साबित होता है वो इस कहानी में आप जान लेंगे। जी आपको बता दें, बड़े बड़े घरों के मामले जो हैं अक्सर जो है मीडिया के आगे नहीं आते। जी आपको बता दूं, मंत्रियों के जो विधायक हैं उनके जो मामले हैं दबा लिए जाते हैं, पर एक लड़की ऐसे सामने आई है जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने के लिए आपके साथ जो जुड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक जो लड़की एक घर के अंदर जब जन्म लेती है तभी वह कहा जाता है कि ये पराया धन है, असली घर इसका ये नहीं है। जब शादी के बाद जिस घर में जाएगी वो इसका असली घर होगा। जी आपको बता दें, एक जो खबर आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो खबर है विधायक की बहू की दर्दनाक आप बीती। जी आपको बता दूं, मेरे पति ने दूसरी लड़कियों के साथ, जी आपको बता दें, शारीरिक संबंध बनाए, फिर मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की। जी आपको बता दूं, काफ़ी जो कहानी है दर्दनाक कहानी है। जी आपको बता दूं, एक हौसला करके रितु मीडिया के सामने आती है और उसमें वह बोलती है कि मेरा नाम नीतू ठाकुर है, मैं नरसिंहपुर के से बीजेपी विधायक जालम सिंह के अपराधी बेटे की पत्नी हूँ। जी हाँ आपको बता दूँ, एक जो रिश्ता है उस रितु का जो है किया जाता है एक राजनीतिक विधायक के साथ, बेटे के साथ, आपको बता दूँ। और उसके बता दूँ उसके बाद क्या अगली कहानी, उसके अंदर वह दिल्ली के रहने वाली थी और जिस प्रकार से विधायक के बेटे से उसके रिश्ते की बात चलती है 2016 के अंदर। जी आपको बता दें, उसको रिश्ता आता है तब उसकी उम्र 26 साल बताई जा रही थी। उसके जो पिता हैं वो भी राजनीति पे थे, जो रितु के पिता हैं वो भी राजनीति के अंदर थे, तो रितु पहले तो तैयार नहीं थी इस रिश्ते के लिए। जी आपको बता दूँ, उसको काफ़ी दबाव बनाया जाता है, काफ़ी उसको प्रेशराइज़ किया जाता है, उसे काफ़ी बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं जिसके लिए वे इसको मजबूरन हाँ करना पड़ता है। जी आपको बता दूं, और जिस प्रकार से शादी के लिए मुझ पर दबाव डाला गया, रितु ने बताया, मुझ पर इस तरह से दबाव डाला गया, मुझे बताया गया कि वो सिगरेट व शराब नहीं पीता। जी आपको बता दें, सिगरेट व शराब नहीं पीता और वह राजनीति से प्रेरित है। वह शादी के बाद ये पता चला कि वह 45 आपराधिक मुकदमों में उसका जो है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे 45 दर्ज हैं। जी आपको बता दें, ये चीज़ें उसको शादी से पहले नहीं बताई गई थी। उसके बाद आपको बता दूं, उसकी जब पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है तो उसमें ग्रेजुएशन बताया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन बताया जाता है, जो भी बताया जाता है वो सरासर उसके ऑपोजिट होता है। जब वह शादी करके उस घर के अंदर जाती है, जब वह 10 दिन के अंदर घर के अंदर रहती है, 10 दिन में उसको काफ़ी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो शादी से पहले उसे बिल्कुल ऑपोजिट बताया गया था। अगर वो चीज़ उस घर के अंदर नहीं थी तो उसे हाँ बता दिया जाता था। इस तरह से आप हिसाब लगा लीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ों पे उसके हामी भरवा दी गई जो उस घर के अंदर उसे देखने को भी नहीं मिली। जी आपको बता दें, रोज़ रितु कहती थी, मुझे यही कहा जाता था कि किसी को इस रिश्ते के बारे में बताना नहीं है। एंगेजमेंट के एक दिन पहले हमारे रिश्तेदारों को बताया गया कि शादी से पहले एक बार उनसे भोपाल में मिली थी, तब भी उन्हें जबरदस्ती करने की कोशिश की। जी आपको बता दें, अभी एंगेजमेंट हुई नहीं थी तो उसके जो रिलेशन बनाने की, फिजिकल रिलेशन बनाने की उसने वहीं कोशिश कर ली, अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई। उसको तब से जो है प्रताड़ित, अब जो मोनू है, जो इस विधायक का लड़के का नाम मोनू है, वो उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, क्या कुछ वह रिकॉर्डिंग है, एक बारी आप ये रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए। मैं नीतू सिंह, श्री चंद्रमान सिंह जी की बेटी, मेरी मैरिज 2016 में मनी नागिन मोनू पटेल के साथ हुई। हमारी मैरिज अरेंज थी। इंगेजमेंट होने के कुछ ही महीने बाद ही मोनू में बहुत से बदलाव देखे गए, जैसे कहीं भी आने जाने में रोक टोक करने लगे, डिटेल्स लेना और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज कर दिए गए थे। 4 महीने पहले मैरिज के मोनू की गर्लफ्रेंड शुमैला वाहिद ने मुझे कांटेक्ट किया और बहुत ही बदतमीजी से बातें की मैसेजेस में, और कुछ पुरानी चैट शेयर की जो मोनू और शुमैला के बीच हुई थी। फिर कुछ ही दिनों में कुछ और लड़कियों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया तो मेरा फेसबुक अकाउंट बंद करवा दिया गया। शुमैला वाहिद ने मेरे को दोबारा कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने फिर से बदतमीजी की बातें करी और उन्होंने बोला कि शादी के पहले भी और शादी के बाद भी मेरा और मोनू का अफेयर चल रहा है, और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई जो कॉन्वर्सेशन मेरे और मोनू के बीच थी वो शुमैला को बता दी। ये
जानने के बाद मोनू ने मेरे से बहुत ज्यादा मारपीट करी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरे को 5 घंटे लगातार मारा, इतना मारपीट करी कि मेरी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा इंजरीज आ चुकी थी, इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और इसी मारपीट करते साथ उन्होंने फायरिंग भी करी, इतना ज्यादा मेरे को मार चुके थे, मुझे लग रहा था मैं मर ही जाऊँ। मदर इन लॉ ने भी तब सब कुछ देखा, उन्होंने भी बस बात दबाने के लिए कहा। कुछ महीने बाद फिर किसी का कुछ पता चलता, फिर मारपीट करते, हर एक छोटे छोटे बात पे, हर बात पे बस हाथ उठता, दिन रात बस वही बस लगता था कि मैं ये सब क्यों सफ़र कर रही हूँ। 1 महीने बाद ही मैं घर पर आई अपने मायके, तब अमृत दुबे ने मुझे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने बताया कि मेरा मोनू के साथ अफेयर चल रहा है। हमने मोनू को कॉन्फ्रेंस में लेके सारे पूछा तो उन्होंने भी सारा कन्फेस किया, लेकिन मोनू को नहीं पता था कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। ऐसे करके मेरे सामने सारी बातें आई। तो मोनू में से मैंने तब भी बोला था कि आप अभी मेरे से डाइवोर्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, मेरे को बस डाइवोर्स दे दीजिए। तब भी वो नहीं माने। कुछ टाइम के बाद मुझे बेबी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया और बहुत जबरदस्ती भी गई मेरे साथ, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ दबाव किया गया। इन सब से होने के बाद मैंने एक दिन फादर इन लॉ को सब कुछ हिम्मत करके मैंने सारा सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने यही बोला कि ये सब कुछ ना पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। ये शुरुआती में सिर्फ 1 साल अपने ससुराल में थी, 1.5 साल फिर उसके बाद मैं अपने मायके में थी, और इस बीच में हमारी मोनू से, मेरी मोनू से कोई बातचीत नहीं होती थी। वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे, लिविंग में भी रह रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। और भी पता, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से रितु ने बताया कि मेरा फेसबुक अकाउंट तक डिलीट कर दिया गया। फेसबुक अकाउंट इसलिए डिलीट कर दिया गया क्योंकि जिन लड़कियों के साथ मोनू मिलकर आता था वह संपर्क रितु से करती थी और उसे बताती थी जिसके साथ तू शादी करने जा रही है वो सही नहीं है। जिस प्रकार से उनके साथ जिस्म के दाव रखा करता था, उनके साथ ड्रग्स के जो हैं उनको ड्रग्स देने के चक्कर में, पैसे देने के चक्कर में लालच देकर बुलाता था और हर रोज ऐसी लड़कियों से मुलाकात करता था, वो लड़कियाँ तुरंत जो रितु से संपर्क करने की कोशिश करती थी, रितु को बताने की कोशिश करती थी, पर रितु जो है मोनू से ये बातें क्लियर नहीं कर सकती थी। अगर रितु ये बातें उससे क्लियर करती तो शायद रितु इस दुनिया में भी ना होती। जी आपको बताता हूँ, रितु को इतना मारा गया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, उसको इंजेक्शन ऐसा लगा कि 2 महीने वो बेड से नहीं उठ पाई, और उसके बाद जिस डॉक्टर्स के पास भी जाती थी वह अकेली नहीं होती थी, वह खुलकर बात नहीं कर पाती थी। पर उस घर के अंदर सभी के सभी जो यही थे कि राजनीति के अंदर इस तरह से घर को बदनाम किया जाता है तो इस बातों में ना रितु को इसी तरह से कहा जाता रहा। और उसके जो विधायक ससुर थे उनका भी यही कहना था कि अगर तू इस प्रकार से इस बातों में आएगी तो इस घर को ख़राब करेगी, तो दोबारा ये शब्द तेरे मुंह में हम नहीं सुनना चाहते। उस घर के अंदर से इकलौती एक दादी थी, वो ही कहती थी कि तू इस घर में यहाँ रहेगी तो मर जाएगी, इस घर से निकल जा। तो रितु जिस तरह से अपना हौसला करके अपने भाई को वहाँ पर बुलाती है, अपने दस्तावेज लेकर जो अपने पढ़ाई के उसके दस्तावेज थे उसको मंगवाती है और एक नौकरी की तलाश करनी शुरू करती है, किस प्रकार से वहाँ से निकल जाती है और अपने घर के अंदर जो अपना मायका है उसके अंदर जाकर रहना शुरू करती है। 1 साल 1.5 साल वहाँ रहते हो गया उसको, और वहाँ पर आपको बता दूँ उसके माता पिता इतने गम में जा चुके हैं कि उसे अब अपने माता पिता की ज़्यादा परवाह है, पर डिवोर्स का केस अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसे डिवोर्स नहीं मिल रहा, वो डिवोर्स लेने के लिए इंसाफ मांगती हुई नज़र आ रही है, समाज से अपील करती हुई नज़र आ रही है, मीडिया से अपील करती हुई नज़र आ रही है कि मुझे डिवोर्स दिलवा दिया जाए, मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ। किस प्रकार से वह डिप्रेस हो चुकी है, इसकी जो आपने ऑडियो है आपने उसमें सुन लिया होगा किस प्रकार से उसे प्रताड़ित कर दिया गया। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। कनाल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, धन्यवाद।